यार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए व्लॉग पर। और ये व्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं ताजिकिस्तान के अंदर होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। यार ये प्रोग्राम अपने इंडिया के होली का प्रोग्राम होता है, उसके आसपास आता है। यहाँ के त्यौहार का नाम है नवरूज़। यार हाँ, आज हम नवरूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ताजिकिस्तान में नवरूज़ किस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ नवरूज़ के बारे में। तो ये हमारे दो मित्रगण, हमारे सय्यम भैया, आगे चलते हैं और हमारे मित्रों से मिलवाने हैं आपको। तो यार दोस्तों, आज हम नवरूज़ सेलिब्रेट करने के लिए आइनी पार्क आए हुए हैं और आपको आइनी पार्क की कुछ यार ख़ास चीज़ें दिखाता हूँ नवरूज़ के मौके पर। वैसे तो आमतौर पर पार्क सारे सेम से होते हैं यार, लेकिन नवरूज़ के मौके पर ताजिकिस्तान की ताजिकिस्तान दुशांबे की पार्कों की बात ही कुछ खास होती है। मतलब एकदम तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छे से सजा रखा होता है। यार आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताजिकिस्तान के अंदर नवरूज़ के सेलिब्रेशन पर जो पार्क। खतरनाक वाले डायनासोर्स, कितने बड़े बड़े डायनासोर्स आप देख सकते हैं। पूंछ हिल रही है पीछे वाले डायनासोर की, ये देखिए क्या शानदार व्यू है यार। ये देखिए कितना बड़ा डायनासोर। ये देखिए डायनासोर, वो देखिए उसकी गर्दन हिल रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए। ये देखिए उसका मुंह हिल रहा है। क्या देख सकते हैं, देखिए डिज्नी अफसोना, जैसा कि देख रहे हैं आप, यह है डिज्नी अफसोना आइनी पार्क की कुछ शानदार चीज़ें। ये डिज्नी अफसोना आइनी पार्क में बहुत फेमस है, इसके अंदर सारी चीज़ें डायनासोर वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखिए वो बड़े बड़े डायनासोर सारी चीज़ें। हिस्ट्री ले लेते हैं डिज्नी अफसोना के बारे में अपन। डिज्नी अफसोना की ये कुछ हिस्ट्री, ये लिखा है डिज्नी अफसोना डिज्नी पार्क। ये डिज्नी अफसोना के अंदर हम जाने तो वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं आपको बाहर से ही कुछ अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ। डिज्नी अफसोना कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा है, मतलब ये इसके अंदर आइनी पार्क में एक छोटी सी जगह दे रखी है बच्चों के मनोरंजन के लिए, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यार अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत शानदार चीज़ जो दुशांबे के अंदर, मतलब आप कोई भी जगह पर जाओ तो यार अगर आप वहाँ पे नहीं गए तो फिर बेकार है, कहीं पर भी जाना बेकार है अगर आप वो जगह पर नहीं गए तो। आपको दिखाता हूँ, वो है ये आई लव दुशांबे। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। आपको मैं पास से दिखाता हूँ इसका थोड़ा व्यू कि क्या लिखा हुआ है।
ये देखिए अंदर प्रोग्राम, डांस के प्रोग्राम के लिए कितनी भीड़ जमा हो चुकी है। ये कुछ स्टेडियम जैसा है, छोटा सा। नहीं नहीं दस आ जा। तो यार अब हम अंदर जाने वाले हैं और आपको अंदर से नज़ारा दिखाता हूँ। दादा चलो अंदर चलो। ये देखिए यार क्या शानदार व्यू है, कितना छोटा सा स्टेज है लेकिन बहुत प्यारा स्टेज है। ये देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर। ये कितनी भीड़ यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं वाहिनी पार्क का नज़ारा। हेलो, ये देखिए कितनी भीड़ है यार यहाँ पर। ये देखिए क्या शानदार व्यू। तो हम जाके बैठने वाले ऊपर। गिदे आपको जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और यहाँ से देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये अपना छोटा सा थिएटर अपना छोटा सा थिएटर जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, सारे नाच गाने जितना भी कुछ है। ये देखिए छोटा सा स्टेज वहाँ पर, ये होस्ट करने के लिए। तो देखिए यार आगे देखते हैं क्या क्या होता है नवरूज़ पर। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे नवरूज़ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। आज से पहले मुझे पता नहीं था कि यार नवरूज़ होता क्या है। ये देखिए उनका स्टेज, कितना उत्साह है इन लोगों में यार। वाह ग्रेट, ये देखिए वाह 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 मज़ा आ गया। आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे म्यूजिक की वजह से, लेकिन यार मज़ा बड़ा आने वाला है आज हमको। बहुत मज़ा आने वाला है यार आज प्रोग्राम को देखकर। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वाह, मुझे वीडियो के लिए अब कोई बैकग्राउंड साउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना शानदार इन्होंने म्यूज़िक प्ले कर रखा है। वाह वाह मज़ा आ गया।